नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है, आप मुझे लिखिए, अपने जन्म की तारीख लिखिए, हो सके तो बिल्कुल जवाब दूंगी, आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। और वैसे भी सावन का महीना है, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सावन की, भगवान कृपा की, भगवान शिव की कृपा भर भर कर बरसे सभी भाई बहनों पर। चलिए बात करते हैं सावन के महीने में सुहागन क्या करें। एक छोटा सा उपाय जिसमें ना ज्यादा पैसे की खर्च हो और ना ज्यादा मेहनत हो, लेकिन आप पर भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा बरसे। ये वीडियो खास करके मेरी बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी है, जो अपनी पत्नी को सहयोग कर सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। दोस्तों, वाइफ जो होती है, पत्नियां जो होती है, वो धन की लोभी नहीं होती है, वो सिंगार की लोभी नहीं होती है। उनका चेहरा चमकता है कब? जब उनके पति अच्छा कारोबार करते हैं, अच्छी जगह नौकरी करते हैं, अच्छा धन अर्जन करते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यानी मिला जुला कर जो बहनें होती है, हमारी जो वाइफ होती है, उन्हें बस उनका पति ही सब कुछ चाहिए। पति अच्छा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लंबी आयु हो, तो बस पत्नी का चेहरा चमकता है। आज इसी से रिलेटेड बात करूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। सुहागन स्त्रियां करें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण उपाय इस सावन, और अपने सौभाग्य को दे लंबी आयु, अपने पति को दे अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा बिजनेस व्यापार में तरक्की। आपको करना क्या? महिलाएं क्या करें? किसी धार्मिक प्लेस पर जाएं जहां शिवालय हो, थोड़ा पॉपुलर हो, जहां लोग आते हो। आप जाएं वहां शिव जी की अच्छे से पूजा करें पूरे मन भाव से, और वहां हरी चूड़ी जो होता है, सिंगार की चूड़ी होती है, कांच की चूड़ी हो, कोई आर्टिफिशियल जैसे कड़े होते हैं, बहुत कुछ हम लोग घर में पहन लेते हैं जिसमें प्लास्टिक वगैरह होती है, वो नहीं लेनी है आपको। प्योर कांच की चूड़ी लेनी है, चाहे सस्ती वाली लीजिए, प्लेन हल्की वाली लीजिए, पर कांच की चूड़ी का पूरा एक रोल आप खरीद लीजिए, या डब्बे हैं तो बहुत सारे डब्बे खरीद लीजिए, कि कम से कम 5 सुहागन को आप उसका दान कर सके। आपको हरी चूड़ी वहां से खरीदनी है, बाकी सिंगार का सामान आप कहीं भी खरीद सकते हैं। चूड़ी, सिर्फ चूड़ी का दान कभी ना करें, उसके साथ सिंदूर और बिंदी जरूर लगानी है। यदि आप उस स्थान पर आपको सिंदूर बिंदी मिल रहा है तो आप वो भी खरीद लें, और कुछ मीठा जरूर ले लें। कोई भी, आप प्रसाद के रूप में मीठा ले सकते हैं या मिठाई के रूप में मीठा ले सकते हैं। और आपको करना है 5 सुहागिन को, जो जिनकी शादी हो गई है, जिनके पति की लंबी उम्र है, स्वस्थ है, अच्छे हैं, जो सुहागिन है आपके घर में, आपकी सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी जेठानी देवरानी, आपकी बहनें हो सकती है, आपको जरूरी नहीं मोहल्ले में करना है। आपको उन चूड़ियों को 5 भाग में बांट देना है, 6 भाग में बांट देना है, 5 भाग आपने दान किए और खुद के लिए भी एक भाग रखनी है, तो आपको 6 भाग में उन चूड़ियों को बांट देनी है। सब में सिंदूर और बिंदी लगा दीजिए और साथ में लगा दीजिए थोड़ी सी मिठाई। आपको इसके साथ कुछ और देने का मन है तो वो आपकी इच्छा है, आप दुपट्टा दान कर सकते हैं, आप साड़ी दे सकते हैं, आप सिंगार के सामान में औरतों को बहुत कुछ दिया जा सकता है, आप महावर यानी आलता दे सकते हैं, या अगर आप सूट पहनती हैं, सूट पीस दे सकती हैं, फैंसी ड्रेस पहनती हैं आपकी कोई सिस्टर, आप उसके साथ कोई फैंसी ड्रेस दे सकती हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। आपका मतलब है सिर्फ कांच की चूड़ियों का दान, वो भी सावन में, वो भी हरा, लेकिन किसी शिवालय से, किसी धार्मिक स्थान से खरीदे हुए को। आप जब उन्हें दान दे, अपने अपनी बहन को या पड़ोस में किसी, आप अपने दोस्त को ये दान दे, तो आप भी उन्हें कहिए कि आपका, आपके सुहाग की लंबी आयु हो, वो बहुत तरक्की करे, और वो भी आपको ये दुआ दे कि थैंक यू सो मच, आपकी भी सुहाग की लंबी आयु हो, वो भी बहुत तरक्की करे, भगवान शंकर की कृपा उन पर भी बहुत बरसे। ऐसे दोनों सुहागन एक दूसरे को लेन और देन करे। अब आप कहेंगे मैंने तो उसे दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, आपने जो दिया वो दिख रहा है, वो जो खुशी से ली और उन्होंने जो आपको दिया वो दिख जरूर नहीं रहा, पर उनके मन से जो दुआ निकलेगी, जो आशीर्वाद निकलेगी, औरतें बहुत खुश होती है ना, जब तब वो कुछ ना भी कहे ना, तो उनके मन से बहुत कुछ बहुत अच्छा सकारात्मक निकलता है जो सामने वाले को लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि औरतों का दिल ना दुखाए, उनकी हाय लग जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो कोशिश करें आप ये 5 सुहागन को ये दान करें, बहुत प्रसन्न भाव रखें, उनको मिठाई भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और इस सावन बहुत खुशी से गले भी मिले। ऐसा करने मात्र से देखा गया है, ज्योतिष में ये कहा गया है कि पट खुल जाते हैं हमारे पति के, बंद किस्मत का ताला खुलने लगता है, अचानक से नौकरी के प्रपोजल आने लगते हैं, व्यवसाय में तेजी होने लगती है, उनका स्वास्थ्य अगर लंबे समय से खराब चल रहा था तो वो ठीक होने लगता है। तो कांच की चूड़ियां, खास करके हरे रंग की कांच की चूड़ियों का सावन में विशेष महत्व है। तो ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिए, कोई
खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। आप कहीं से भी ये परचेज कर सकती हैं, दान कर सकती हैं और खुशहाली से मनाइए ये सावन का महीना। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा भर भर कर बरसे आप पर, आपके परिवार पर और आपके सुहाग की हो लंबी आयु। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।